पहले तो ये बाहर की विदेशी मिठाइयाँ हटाओ मेरे को बहुत समस्या है विदेश की मिठाइयों से ये मेरा भाई है बढ़िया मिठाई कौन सी होती है बेटा बताओ वेरी गुड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू सबसे बेहतरीन और जो घर घर की मिठाई है एक तो है पेड़ा और दूसरा है मिल्की अरे है। मेरे चाचा खोएगी की मिठाइयों की बात नहीं हो रही है फाड़ना है रसगुल्ले भी दो तरह होते हैं एक रसगुल्ला जिसकी आप बात कर रहे हैं वो जिसको हम लोग छेना बोलते हैं रस मलाई हाँ। सफेद वाले को वो नंबर और कौन सा गुलाब जामुन को भी रसगुल्ला गुला, गुलाब जामुन होता गुला, है ऐसी कौन सी मिठाई है जो कभी होनी ही नहीं चाहिए थी रसमलाई जो बिल्कुल पसंद ही नहीं है रसमलाई वो कभी नहीं खा सकते रसमलाई रस मलाई परवल की मिठाई परवल की मिठाई परवल की कड़वाहट दूर की जा सकती है पर कुछ लोगों की परवल के प्रति जो कड़वाहट है वो कैसे दूर करूं मैं खिलाना पड़ेगा उनको सही जगह का परवल खिलाना चाहिए जौनपुर में एक जगह है जौनपुर को पिछले एक वीडियो में सिद्धांत जी ने इलाका बोल दिया था जौनपुर के लोग बहुत हो गए थे कि जौनपुर कोई इलाका नहीं है वहां से नौ विधायक आते हैं दो सांसद आते हैं तो जौनपुर एक बहुत महत्वपूर्ण तो जिला है इस देश बोल का इमरती और उसके अलावा एक सिद्धांत जी की जौनपुर से नाराजगी लेकिन उस मिठाई का नाम होता है एटम बम अगर तुम छेने को रसगुल्ला कहते हो तो तुम लल्लन टॉप हो सर बेस्ट डोंट कॉल मी सर सौरभ ये मैं इतनी बार आप लोग सिखा चुका हूँ वीडियो में सर मैडम ये सब नहीं होता है कुछ भी सौरभ मैं वीडियो से इतर भी मैं कहता हूँ आपको सौरभ बोलिए पर वो आप लोग अभी तक कंफर्टेबल नहीं हुए नाम लेने में वो आप ये, आप। हाँ।, ये। <laughs> हाँ जी क्या सवाल है सर सवाल नहीं सर, है सौरभ सवाल नहीं है कि बेस्ट टेन चीज केक डिशेज में से नंबर दो पे डिशेज जो चीज से बनती है जिस <laughs> चीजों में चीज पढ़ाओ जिन चीजों में चीज पढ़ाओ हाँ। उसमें नंबर दो पे रस मलाई आई है नंबर दो पे? नंबर दो नंबर एक पे. पे क्या है पोलैंड रसगुल्ला नहीं है सर पोलैंड का कोई एक चीज केक है सर किन नाम है उसका चीज तो ये है कि नंबर एक पे होता है काचा गोला ठीक है और वो भी हमारे बंगाल में बनता है दिल्ली में भी बनता है नंबर दो पे हो सकता है खीर कदम खीर कदम खीर मोहन या खीर कदम हो सकता है रसमलाई नंबर दो पे नहीं उसको और नीचे होना चाहिए क्योंकि चमचम -चम भी, चम -चम भी है है ना कला का अरे रुको अभी यहाँ चीज़ की बात हो रही है भैया मेन नंबर एक पे काचा गोला होना चाहिए संदेश भी अच्छा छेना तो है ही है हाँ? हाँ।, हाँ हमारे दोस्त ने वरुण उनकी बिल्ली का नाम है छेना पोड़ा राजभोग है हाँ तो ऐसा करते हैं कि हम लोग सब लोग मिलके पहले ये तय करते हैं कि पहले तो ये बाहर की विदेशी मिठाइयाँ हटाओ मेरे को बहुत समस्या है विदेश की मिठाइयों से विदेश के लोगों को मिठाइयाँ बनाना नहीं आती है ठीक है हमें आती है ठीक है तो पहले नंबर पे तो पहले नंबर कौन है पहले ये बताओ सरकिन पोलैंड नंबर वन पे है, पे। है। हा? मुझे इस देश का नाम ही पसंद नहीं है एक तो केक के नाम पे स्कैम चलता है ठीक है एक कोई केक बनेगा केक में मूंगफली डाल दो अलग केक केला डाल दो अलग केक है मेरी ने सर अभी ओट, से एक केक बनाया। ओट क्या होता है पहले ये बताओ मीठा मीठा नहीं खाना चाहते तो आप ओट्स खाइए मीठा तो नहीं, नहीं ये ये ये, ये गुड़ खाए गुलगुले से परहेज वाला है मीठा नहीं खाना चाहते तो मीठा मत खाइए और मीठा खाना चाहते हैं तो मीठा खाइए ठीक तो है क्यों, क्यों, खाई। कोई नहीं है। ओट के क्यों खाई। अगर आपको हेल्दी रहना है। नहीं तो, तो ये ओट क्यों ली जा रही है किस चीज की ओट ली जा रही है <laughs> क्या ओट क्या होता है तो दलिए तो की मिठाई है ये मीठा दलिया है हाँ, हाँ, कह सकते हैं है कि है ऐसा ही कुछ है मतलब अंग्रेजी में मैंने तो कभी खाया गरिमा इंग्लिश इधर है बेटा ओट्स क्या होते हैं और कौन इंग्लिश मीडियम अपने और भी कोई है तुम तुम बैठ जा इंग्लिश मीडियम की बात हो रही है अभी ना ओट ये क्या होते हैं ओट्स हो क्या होते हैं सर ओट्स ओट्स होते हैं आदि शंकराचार्य करने खुश होंगे गए <laughs> का दूसरा पार्ट है ओट्स जो जो, जो जो मिलेट मिलेट वगैरह से और मोटा नाच मोटा नाच तो हम बाजरे का लड्डू खाते हैं आप कभी आइए हमारे घर हम आपको खिलाते हैं वंदिया घूम गई वापस से हाँ। हाँ। नहीं नहीं हाँ। ये रोल्ड ओट्स हैं कौन से पिंक, पिंक, ये मेरा भाई है बढ़िया मिठाई कौन सी होती है बेटा बता भी रे रसमलाई भी होती है वेरी गुड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू दुनिया में नंबर एक मिठाई कौन सी है रसमलाई रसमलाई है देखो मतलब काचा गोला हर भी तो रसमलाई से हार रहा है ये सड़ने काटने से तो नहीं हारेगा का नाम सुना है नहीं बकलावा अबे जा बकनावा बकनावा तो है भी नहीं लिस्ट में नहीं।, नहीं पर ये तुम लोग ना फालतू बात करो पहले तो फोकस पे सर, रहो सबसे कि सबसे जो आम आदमी की मिठाई है सबसे बेस्ट नहीं सबसे बेहतरीन और जो घर घर की मिठाई है एक तो है पेड़ा और दूसरा है मिल्ख अरे मेरे चाचा खोए की मिठाइयों की बात नहीं हो रही है अच्छा ये बिल्कुल जो चुनाव में नहीं मिलते लड़के चीज से बनी हुई मिठाइयों की बात चीज से बनी हुई फाड़ना है अच्छा। भी प्लेन भी ये कर रहे हैं दूध फाड़ना है फिर मिठाई बनानी है उससे तो रसमलाई अच्छा तुम लोग वैसे रसगुल्ले के ऊपर रसमलाई को वरीता क्यों दे रहे हो आप थोड़ा सा केवड़ा थोड़ा सा गुलाब जल डाल दीजिए तो 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 भी दो तरह होते हैं एक रसगुल्ला जिसकी आप बात कर रहे हैं वो जिसको हम लोग छेना बोलते हैं सफेद वाले को नंबर एक रखोगे और कौन सा रसगुल्ला हम लोग क्या गुलाब जामुन को भी रसगुल्ला गुलाब जामुन होता है असली रसगुल्ला गुलाब जामुन होता है हमारी दोस्त हैं वो एक कुछ कहावत समझा रही थी मराठी की तो उन्होंने पहले कहा समथिंग ये हो गया ऐसे ऐसे कर रहे हो ऐसे खा रहे जैसे जल्दी जल्दी जल जल जैसे बाघ पीछे पड़ा हो दिस शी सेड इन मराठी और मैंने कहा इसका क्या मतलब बोले कि ऐसे जल्दी जल्दी खा रहे हो जैसे शेर तो मैंने कहा बाघ का मतलब शेर होता है क्या तो ये वो वाला कन्फ्यूजन है तो मैं क्या कहूँ शेर और बाघ में तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता के हो रीवा में क्या है सफ़ेद शेर सफ़ेद शेर यानी वाइट टाइगर एक सेकेंड अगर तुम छेने को रसगुल्ला कहते हो तो तुम लल्लन टॉप हो ये देख लीजिएगा आप कमेंट आएंगे हमारे गुलाब जामुन मेरी, मेरी पत्नी हमको इतना हड़काती थी क्योंकि हमारे यहाँ हमेशा से रसगुल्ले काले रंग के होते थे और हमको बहुत बाद में पता चला कि इनको गुलाब जामुन कहते हैं एक और हमारे उरई के स्टेशन के रसगुल्ले बहुत मशहूर हैं जो कि दरअसल गुलाब जामुन है पर उनको उई के रसगुल्ले और उसी के नाम से बेचा जाता है कुल्हड़ में हांडी में और उसके ऊपर सफेद सा कुछ रख देते हैं ना अरे चाची के रसगुल्ले मुझे खिलाया वो, वो चाची के रसगुल्ले स्टेशन पर नहीं बिकते हैं चाची रसगुल्ले में रबड़ी रखी जाती है अच्छा तुम तुम प्रेंगे। प्रेंगे। वो वाला ये प्लेन तुम भी वो वाला कौन सा रसगुल्ला है बड़ा वाला जिसमें अंदर से या वो निकलती है अंदर फिलिंग होती है वो हाँ। वही गुलाब जामुन है जैसे अब हम लोग क्या है जो देहाती का रसगुल्ला है वो एक्चुअल में गुलाब जामुन है लेकिन प्रयागराज पूरे इलाहाबाद और उसके आसपास सब लोग उसको देहा रसगुल्ला ही कहते तो हैं एक बार बुंदेलखंड जहाँ से मानव सत्ता शुरू हुई उसने कह दिया तो फिर बाकी लोग तो फॉलो करेंगे भी यही पता था काला वाला जो होता है वो होता है रसगुल्ला और जो छेना वाला होता है वो छेने का रसगुल्ला सफेद रसगुल्ला हाँ, ये था हाँ। ना रसगुल्ला और सफ़ेद रसगुल्ला रसगुल्ला सफेद ही होता है और गुलाब जामुन काला होता है कोई पता है दीदी नहीं आई एम सी में जब पढ़ते थे तो एक लड़के से शर्त लग नहीं तुम कहो कि जब आई एम सी में हमारा दाखिला हो रखा था तो पढ़ते थे एक बड़ा स्टेटमेंट हो गया ठीक है दाखिला तो एक लड़का बोला शर्त लगी तो बोला हम जो है तीस रसगुल्ला खा लेंगे हम कि तुम आगल हो गो क्या है हम दस हजार रुपये देंगे तुम तीस रसगुल्ला खा के दिखाओ हम खा लेंगे बहुत देर तक बात हुई बोला करना क्या होगा उसको ऐसे दबाएंगे उसका सारा रस बाहर आ जाए खा लेंगे एक मिनट रसगुल्ला वो तो छेना होता है तो सब लोगों ने हिकारत भरी नजरों से देखा दुण। दुण। <laughs> <laughs> <थत्यु। laughs> तो तुम्हारा पुराना है जो ये मेरे अंदर हर्ष गुजराल की आत्मा पता नहीं क्यों आ जाती है नहीं <laughs> नहीं तो ऐसा है विद्वानों मतभेद है रसगुल्ला और मुद्दे पे आते हैं हम वापस रसमलाई पे आते हैं भारत दुनिया का नंबर वन हम विश्वगुरु हैं मिठाइयों के मामले में कोई हमारे आसपास नहीं है हम एक जोधपुर हम एक लखनऊ हम एक बनारस हम एक कलकत्ता भेज देना ये पूरा हाँ बीकानेर चलिए बीकानेर भी हाँ हा, तो पूरा ये यूरोप एकदम दाएं बाएं हो जाए बताओ बताओ इनकी गुलाब गुलाब भी भी। जा, भी। जा, मुझे नाम याद नहीं आ रहे लेकिन वो गुलाब जामुन बहुत फेमस है गुलाब जामुन स्वीट्स की बात कर रहे हैं दोस्तों दुनिया की सबसे सुंदर मिठाइयों की ब्रांचेज जहाँ जहाँ खुली उसमें से एक जोधपुर का मोहन स्वीट्स है किसी रोज़ आप हाफ़ या फुल मैराथन करके और उसके कई दिन पहले तक अच्छे अच्छे सात्विक भोजन को करके अपने लिवर को अपनी अंतड़ियों को मजबूती से वहाँ ले जाके और ये भूल के कि दुनिया में डॉक्टर सरीन हैं और उनकी हिदायतें हैं आप मोहन स्वीट्स पर जाइए नाना प्रकार की मिठाइयाँ वहाँ हैं मतलब वो बूंदी को ऐसे रबड़ी में ऐसे मिलाते हैं ना वो एक लड्डू बनता है भुनी हुई सी बूंदी का और अलग अलग किस्म की मिठाइयाँ हैं यूं समझिए आप कि अमृत बट रहा है मंथन के बाद और सबसे आगे दोनों लेके आप खड़े हो है ना इसी तरह से बनारस में इसी तरह से कलकत्ता में इसी तरह हमारे सीआर पार्क में आप अन्नपूर्णा स्वीट्स जाइए अन्नपूर्णा स्वीट्स का आप काचा गोला खाइए इतना दिव्य होता है इतना दिव्य होता है कि आपको लगता है कि पौराणिक वृतांतों में जो है ना कि विश्वामित्र ने एक रोज़ तय किया जब उनकी मुठभेड़ हो गई कि हम एक समानांतर सृष्टि रचाएंगे तो ये कहा जाता है कि विश्वामित्र ने जो चीजें बनाई उनमें से एक थी नारियल ऐसा मैंने पढ़ा था बचपन में कहानियों में है ना तो उस नारियल से वो काचा गोला की जो मिठाई बनती है और छेना तो होता ही है तो ये पोलैंड ओलैंड वालों को ना पहले आके करनी चाहिए इंटर्नशिप ठीक है मिठाइयाँ हमने तो हमने हमने क्या दुनिया को सिर्फ जीरो तोड़ ही दिया है वो जीरो पहली बार कैसे आया हमने बनाया एक रसगुल्ला हमसे किसी ने पूछा इसका आकार क्या है हैं तो हमने कहा कि इसको हम कितना भी भस्म कर ले हमारा मन पूरा भरता नहीं है जीरो वहां से आया है तभी तो मनोज कुमार ने गाना गाया था जब जीरो दिया मेरे भारत ने वो दरअसल रसगुल्ले की बात कर रहे थे चतुर्भुज का का गुलाब जामुन की गुलाब जामुन बहुत मशहूर है बहुत सॉफ्ट होते हैं वो आप सबको जरूर चाहिए चंद्रकला से ज़्यादा मैं चाहूँगा कि राम आश्रय की गिलौरी का जिक्र हो राम आश्रय की गिलौरी है मक्खन बड़ा है उज्जैन का इंदौर का भी है हमारे यहाँ औरैया में रमाकांत की बालू शाही है बच्चा राम की सोन पापड़ी है लालमन की इमरती है हमारे औरई में हैं, लोग जाते हैं ना शुक्रे लोग खा के चले आते हैं गुलबार के फूल की तरह दांत चियारते हैं और पोस्ट करते हैं।, तो तारीफ में लिखा था। हैं की बाल मिठाई बिना होम्योपैथी वाले था। तो चिपका देते हैं होम्योपैथी डॉक्टर नाराज ना हो ये मजाक में खा गया सब आहत होने को तैयार बैठे रहते सौरभ ये ना टॉप मिठाइयों की बात हो सौरभ बोल <laughs> अभी थोड़ी देर में मेरे को भी हाँ ऐसी कौन सी मिठाई है जो कभी होनी ही नहीं चाहिए थी जो बिल्कुल पसंद ही नहीं है वो कभी नहीं खा सकते इस पर भी आप लोग भी बताइए की की मिठाई मिठाई नहीं नहीं इस पे तो बनारसी तुम्हारा वध कर देंगे परवल हाँ नहीं, नहीं वो कह रहा है वो कर देंगे अरे भैया कैमरा घुमाना भी होता है ये एकदम मिठाई खा के सुट हो जाता है नहीं की परवल की मिठाई जिसका जिक्र कर रहे हैं अभी ना मतलब परवल को उबाल के उसका पूरी उसकी पूरी कड़वाहट खत्म कर दी जाती है फिर उसको सीरे में पागा जाता है उसके बीच में खोए की भुने हुए खोए की जिसमें केसर और इलायची और चीनी मिला के उसके बीच में वो भर दिया जाता है उसको परवल या लता जैसे एक बनास मिठाई होती है तो उसकी तर्ज में उसको परवलता भी कहा जाता है और खाने में बहुत तो अच्छी लगती है कड़वाहट अच्छा एक चीज़ ये भी है कि आप सही कह रहे हैं कि इस सारी प्रक्रिया से परवल की कड़वाहट दूर की जा सकती है पर कुछ लोगों की परवल के प्रति जो कड़वाहट है वो कैसे दूर करूँ मैं वो खिलाना पड़ेगा उनको सही जगह का परवल खिलाना चाहिए परवल और करेला ये दो इन दो चीज़ों की कड़वाहट नहीं दूर हो सकती परवल कड़वी होती पर तो पहली चीज तो मैं इस पे ऑफेंस ले रहा हूँ करेला आ, सब्जियों के शीर्ष पर कहीं बैठा हुआ है तुमने अपने जीवन में अगर एक अच्छा भरवा करेला नहीं खाया है ठीक है तो बढ़िया गेहूँ का लगवाओ आटा उसमें मिलवाओ थोड़ा सा चना ठीक है तो हमारे यहाँ जिसको बोलते हैं बिर्रा की हो गई रोटी उसके बाद भरवा करेला बने और अरहर की हो दाल हमचो डली हुई और ये गर्मियों की दोपहर में आप भोजन करो उसके बाद एक से और हाँ आखिरी में थोड़े से चावल भी सूट लेना और बढ़िया डेढ़ से दो घंटे की नींद फिर बढ़िया उठो चाय पियो छी खेलो नींद के नीचे बैठ के करेले के दम लग... तो एक ही दे रहा हूँ करेला मिठाई भी होती है हा? करेला मिठाई भी होती है नहीं होती है, खाजे जैसे जो होती है अरे वो तो करेला चाट की दुकान में मिलता है वो करेला बोलते हैं कि करेली वो करेली नाम का मोहल्ला है बहुत ही विख्यात और कुख्यात दोनों है बलिया में एक बड़ी मशहूर मिठाई मिलती है आ जाओ आ जाओ आ आ जाओ जाओ आओ आओ ये देखिए उपासना है और ये प्रतीक्षा जी से हम लोग नहीं पूछ रहे हैं इंडिया टुडे की प्रतीक्षा जी प्रतीक्षा जी जरा आइए जरा मिठाइयों की बात हो रही है आओ जरा। से इसने पेड़े थे। पता नहीं किसके पेड़े, पेड़े आए थे नहीं मलवा का पेड़ा तो आया था लेकिन उसके बाद कोई और पेड़ आया था बार का हलवा खा लो हमारे कालपी में मिलता है एकदम अरे ना इतनी बार तो खिला चुके हैं गद्दे का हलवा नहीं है। अरे वो हमारे हलवाई अंकल है, उनका नाम गबद्दे है। वो ये समझना चाह रही है कि गबद्दे एक है है? या इंसान यू हम लो कि इतनी में है, तो अपना बात कर रहे हैं हाँ कुलदीप जी से पूछिए जरा <laughs> हाँ बताओ बता, मिठाई बताओ बता। वो होता है ज्यादा भुना हुआ होता है आ, बबूल की लकड़ी की मद्दम आज में कौन सी हुआ ये है है जिसमें छेने से बनी मिठाइयों का जिक्र था और उसमें हमारे देश की भारत की हमारे तिरंगे की से आने वाले इस ज़मीन की मिठाई रसमलाई को दूसरे नंबर पर रखा गया और पोलैंड की कोई बहुत ही बकलोल किस्म की मिठाई है बक नहीं बकलावा तो फिर भी ठीक होता है तो उसको पहले नंबर पर रखा गया तो हमने पहले कहा कि पूरी रिपोर्ट हम मानते ही नहीं है ये पूरा सर्वे फ्रॉड है इन आंकड़ों की सत्यता पे हमें संदेह है और टेस्ट ने लिस्ट निकाली है वहाँ से हमें मंगवानी चाहिए मतलब उन्हें हमें भेजनी चाहिए ना मिठाई तभी तो हम हिल जाएगी <laughs> लोगों को। कुछ, यहां के कुछ ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना चाहिए जो एक्सपर्ट्स हैं हाँ, जैसे और हम। हाँ जैसे हम। <laughs> और उन्हें ऐसे ऐसे फेमस मीडिया हाउसेस को भेजना चाहिए और तब हम लोग जज करेंगे ऐसे ऐसे तो मान ही नहीं सकते ना इसमें तो कोई ही नहीं है दुनिया की सबसे अच्छी मिठाइयां भारत में बनती हैं और वो भी छेने से बनती हैं है सफेद वाला रसगुल्ला काचा गोला तुम लोग इतना जोर दे रहे हो तो रसमलाई भी बोल दे रसमलाई ना मीठी ज्यादा हो जाती है, है? <laughs> संदेश और और क्या मोड़ी तुम्हारी मिठाई मिला तुम्हारी क्या बिलात कौन कौन सी बताओ एक दो जल्दी बताओ मार्क पे बताओ बिलाद मिठाइयन में एक दो को नाम बता दो तुम जल्दी से सर हमारे झांसी के बगल में बरुआ सागर है वहाँ पांडे जी का रसगुल्ला मिलता है वो बहुत प्रसिद्ध है तो दूर दूर, दूर। की हो अच्छा हो गई सर उसके अलावा झांसी में छेना गुजिया और कुछ छेना है छेना गुजिया हाँ मतलब गुजिया के अंदर छेना होता है नहीं नहीं अलग अलग होता है <laughs> एक मिठाई होती है चंद्रकला वो मतलब गोलाकार गुजिया हाँ गोलाकार गुजिया होती है

किसका हमने किसका हमने पीयूष गोल का इंटरव्यू किया था ना <laughs> पीयूष गोल के इंटरव्यू में भी मित्रों आपको ये रेफरेंस मिलेगा हाँ <laughs> तो वहाँ पर एक मिठाई मिलती है जिसके बारे में हम लोग बहुत सो ना किसी ने वाला जा रहे हैं तो वो खाएगा जरूर उसमें किया कुछ नहीं था उसने उसने पनीर का इतना बड़ा टुकड़ा लिया इतने बड़े टुकड़े को उसने रिफाइंड में छाना और सीरे में फेंक दिया तो और वो हाँ एक वो अव्वल तो पहले अभी तक हमने बलिया को बिहार में शामिल नहीं किया है पर जितने जल्दी इधर आओ हां इधर आओ अनसिक चीज है सर वो बलिया आ ही जाता है भूल चूक बिहार में काउंट कर लेते हैं पन नहीं, पनीर का खुरमा बोलते हैं उसको और तो वो टुकड़े तो, हाँ। तु, हाँ, बचपन में बहुत पसंद था सर मुझे ऐसे <laughs> मत बोली तो टुकड़े टुकड़े में वो बड़ा टुकड़ा नहीं होता जैसा आप कह रहे हैं छोटे-छोटे पीसेस में काट के छोटे <laughs> छोटे पीसेस में काट के उसको रोज जैसा कह रहे चीनी की चाशनी में फेंक देते थे बहुत अच्छा लगता था स्वाद लगता था मतलब कहने का मतलब ऐसे निकाल के <laughs> हलवाई और ऐसे फेंकते हैं ना वो सीधे करी बचपन में पसंद था अभी भी पसंद अब बहुत साल हो गए गए हुए अभी भी ढूंढ के खाते कि पापा वो लेके आइएगा उस ठेले से तो ये तो एक तो तय हो गया मनीषा की वो सर्वे फ्रॉड है भारत की मिठाइयाँ नंबर वन होती हैं सबसे कौन सी सर एक 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 जौनपुर जौनपुर में में जगह है जौनपुर को पिछले एक वीडियो सिद्धांत जी ने इलाका बोल दिया था जौनपुर के एक बहुत महत्वपूर्ण जिला इस देश का इमरती और उसके अलावा सिद्धांत की जौनपुर से नाराजगी लेकिन उस मिठाई का नाम होता है एटम बम हाँ उसको बोलते हैं एटम बम एक जगह है वहाँ पे जौनपुर में सुजानगंज वहाँ मिलता है और वो एक तरीके से इतना बड़ा सा छेना होता है मतलब उनको मिठाई भी जो चाहिए वो विध्वंसक विध्वंसक नाम वाली चाहिए हम नहीं हम लोगों को लेकिन इस समय बर्बाद नहीं करनी चाहिए कौन सी है सबसे बुरी हम क्यों खोज रहे हैं भाई so हम बन... जी यहाँ पे आ गए हैं कुलदीप जी बड़े रसिक हैं मिठाइयों के कुलदीप जी जरा कुछ अच्छी मिठाइयों के बारे में बताइए कुलदीप जी ने पहले बोला था वीडियो शूट करने से पहले रसमलाई मंगाती भी वहां से फिर वैसे स्टार्ट करते हैं हम लोग रसमलाई खा खा के डिस करते हैं मिठाई तो खीर मोहन ही होती है बाकी तो सब नंबर वन हाँ खीर बिल्कुल वैसा है जैसे कफवाल <laughs> <laughs> तो ढाई हुए बाकी तो कौन है <laughs> खीर मोहन है और बेग रसगुल्ला बेग रसगुल्ला का आजकल थोड़ा ज्यादा नए चढ़ा हुआ है तुम्हारे कुछ मिलता है मिर्जापुर में हमको तो वहाँ की चाट अच्छी लगती है बस हमको मिठाई नहीं लेकिन आ, उस तरफ मिर्जापुर की तरफ मिलती है आ, ये परवल की मिठाई वो मुझे बहुत अच्छी लगती है अभी अभी, अभी 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 अभिनाव भैया ने बोला था वो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है अपनी अपनी पसंद है अपनी अपनी पसंद है संतरा मिठाई नागपुर की संतरा मिठाई अच्छी है मोहन थाल वहाँ हमारे मित्र हैं उन्होंने हमको मोहन थाल खिलवाया था मिठाई होती है बहुत बढ़िया सी बेसन की बर्फी कुछ जगहों पर बड़ी अच्छी मिलती है सर हम लोग की उसमें सारी बातचीत में साउथ इंडिया की मिठाइयों का रेफरेंस नहीं आ रहा है हमें भेजना चाहिए किसी को जो है वो मिठाई खा कर आए मैं आ रहा हूँ दक्षिण भारत मैं वहाँ विशाखापट्टनम किया था एक बार पढ़ाने तो वहाँ पे मैंने एक मिठाई खाई थी जो एकदम कागज़ सी पतली थी कुरकुरी थी और उसमें काजू की भरपूर मात्रा थी तो वैसी भी एक मिठाई है और दक्षिण भारत की मिठाइयों को हमें जाके खुद एक्सप्लोर करना चाहिए इसलिए हम लोगों ने ये तय किया है कि हम मैसूर पाक तो मैसूर पाक मैसूर मैसूर पाक तो बहुत आ, हाँ बाल मिठाई अरे हो गई है हाँ हम भी उत्तराखंड की चिंता कर रहे हैं सिर्फ आप अकेले नहीं कर रहे हैं बाल मिठाई हो गई है तो दक्षिण भारत की मिठाइयाँ इस बार के चुनाव में खूब खाई जाएंगी और उनको एक जरा लीगल लीगल का नोटिस भेजो जिनने हमारी मिठाइयों को हैं हाँ? हाँ और अरे मातूराम हलवाई के जलेब कैसे भूल गए हम लोग गोहाना के हाँ जब बड़ी बड़ी जलेबी हाँ एक डब्बे में एक आती है सर जिसको मुचंडा कहते हैं मुचंडा कहां कहते हैं हमारे बदेलगढ़ में नहीं, नहीं, नहीं दिल्गन्डा। दिल्गन्डा कहते हमारे यहाँ मुचंड कहते हैं कोई बहुत ही है कैमरा तो घुमाओ हां मुष्टंड मुष्टंडा से मुचंड बना होगा ना मुष्टंड इंसान से अच्छा थोड़ी लेके आए मेरा ना सौरभ से एक आखिरी सवाल है कितना अच्छा लग सौरभ इतनी सारी आपने मिठाइयों के नाम बता दिए हैं ये भी अच्छा लगता है ये भी अच्छा लगता है लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि आप कुछ समय से डाइट पे हैं और आप मीठा अवॉइड कर रहे हैं तो जब आपको बचपन से डाइट पे हूँ मैं बचपन से डाइट ले रहा हूँ बहुत अच्छी जी मैं जब मुझे बहुत आ, मैं मीठा नहीं ना के बराबर खाता हूँ बहुत रेयर खाता हूँ पर अगर मुझे मिठाई खानी ही हो तो मैं मैं इन दिनों मुझे सर्दियों में ख़ासतौर पे अलसी के बने हुए जिसको आप लोग अंग्रेज़ी में फ्लैक्सीड कहते हैं अलसी के बने हुए लड्डू बहुत पसंद हैं और इन दिनों मैं बाजरे के लड्डू खा रहा हूँ तो जब मुझे बहुत क्रेविंग होती है तो हफ्ते में दो तीन दिन में चार दिन मैं मीठे की मेरी क्रेविंग मुझे मेरी नमक की क्रेविंग होती है जैसे मैं अभी अगर टेक्नोलॉजी इतनी बढ़िया हो तो मैं चौधरी के मिर्ची बड़े खाने के लिए अभी सदे जा सकता हूँ जोधपुर मुझे इतना पसंद है शाम का वक्त बात करते करते भगवान कसम माँ कसम मुँह में पानी आ गया है है ना और वो शर्मा का समोसा तो शर्मा के समोसे अंडर हैं शर्मा लखनऊ में और चाय ओवर है ये मेरा मानना है तो सरमा के समोसे बहुत अच्छे हैं वो खाने के लिए अभी तुरंत जाया जा सकता है टमाटर की चाट खाने के लिए बनारस जाया जा सकता है, है? रीवा अरे तो है हैं है और कृष्णा के ये गोलगप्पे यूपीएससी के बगल के खाने जाया जा सकता है पर वो कहानी फिर कभी तो आप सबने देखा कि रसमलाई हम लोगों का डिस्कशन यहाँ से स्टार्ट हुआ था कि नंबर टू पे रसमलाई आई है तो वो जस्टिफिक जस्टिफाइड है कि नहीं है लेकिन आपने देखा कि यहाँ पर नंबर टू छोड़ो आपको एक से ज़्यादा एक दस पाँच चार तीन नौ सारी गिनतियाँ बताकर सभी रसमलाइयों सॉरी सभी मिठाइयों के नाम बता दिए हैं और सौरभ का आपने आखिरी में सुना उनको क्या क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है और आपने आपके हिसाब से रसमलाई कौन से नंबर पर आनी चाहिए या ये लिस्ट आपकी आपको भी लगता है कि ये फ्रॉड लिस्ट तो वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ऐसी जो हमारी बातें हुई है न्यूज रूम में ये सब देखने के लिए देखते रहिए दिललन टॉप मेरा नाम मनीषा है शुक्रिया